नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, ये हम सभी जानते हैं, और ये शराबबंदी कितना सफल है ये भी हम जानते हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार की शराबबंदी कानून के मंशे पर सवाल खड़ा कर रहा है कि शराबबंदी कानून तो लागू है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कटिहार से है, जहाँ शिक्षा के मंदिर में शराब की खाली बोतलें मिली हैं। क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के प्रधानाध्यापक, वो आप सुनिए। शराब की बोतलें या विद्यालय मायखाना बन गया, क्या परेशानी होता है प्रधानाध्यापक, क्या स्थिति है? देखिए, यहाँ तो विद्यालय का समय 9 बजे से 4 बजे तक है। 9 से 4 की अवधि में विद्यालय परिसर की सफाई की जाती है, बच्चे पढ़ते हैं। 4 बजे के बाद आसपास के कुछ असामाजिक तत्व तो यहाँ एकत्रित होते हैं, विद्यालय परिसर में एकत्रित होते हैं। कभी कभी सुबह आने पर ऐसा भी लगता है कि रात्रि में यहाँ नाश्ता भोजन का भी आयोजन होता है। शराब की बोतलें फेंकी मिलती है, गिलास फेंके हुए मिलते हैं, खाने और नाश्ते के प्लेट तक फेंके हुए मिलते हैं ग्राउंड में, जिनकी सफाई भी हम लोग करानी पड़ती है, और इससे हम लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। विद्यालय मैखाना बन गया, कोई लगता है कोई यहाँ का स्थानीय, ये बगल में क्या है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय भी है, ये भी इसी बिल्डिंग कैंपस में है, ये सारे बिल्डिंग इसी कैंपस में है। अब अगल बगल में कुछ दुकान है, इन दुकानदारों के भी कुछ कचरे यहीं पर डंप किए जाते हैं। ये शराब बिहार में प्रतिबंध बंद किया गया, उसके बाद इसे कितना दुखद है, ये इसको कितना दुखद मानते हैं? देखिए, जब तक ये अगल बगल के लोगों में भी जागृति नहीं आएगी, तब तक हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ के प्रधानाध्यापक कह रहे हैं कि यहाँ के असामाजिक तत्व और दुकानदार यहाँ पे स्कूल बंद होने के बाद शराब पार्टी करते हैं, और दुकानदार भी रैपर फेंकते हैं, डिस्पोजल फेंकते हैं यहाँ पे, और ये सारा सफाई भी यहाँ के स्कूल के प्रबंधन के द्वारा ही करवाया जाता है। आपको पूरी जानकारी देते हैं। आपको बता दें कि कटिहार समरणालय के ठीक बगल में हरिशंकर नायक मध्य विद्यालय है, जहाँ पे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय भी है। शराब की खाली बोतल का डंपिंग पॉइंट ये स्कूल बना हुआ है। विद्यालय में बियर बार जैसे हालात के सवाल पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक भी कहते हैं कि अब यह हर रोज की तस्वीर हो गई है। हर दिन विद्यालय परिसर में शराब की खाली बोतलें और रैपर गिरा हुआ मिलता है, जिससे उन लोगों को ही साफ करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि लगता है कि आसपास के दुकानदार या सामाजिक तत्व विद्यालय बंद होने के बाद यहाँ शराब पार्टी मनाते हैं, जिस कारण बड़ी संख्या में शराब की खाली बोतलों के साथ साथ डिस्पोजल ग्लास, थाली सब कुछ मिलता है, जिससे विद्यालय के छात्र छात्राओं पर भी बुरा असर पड़ रहा है। शराबबंदी के बीच शहर के बीचों बीच विद्यालय में मैखाना वाले इस हालात पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक इसके लिए संबंधित विभाग से उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, साथ ही विद्यालय में रात्रि प्रहरी की भी मांग कर रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से विद्यालय परिसर में शराब की खाली बोतलें पड़ी हुई मिली हैं, जिससे अब आप ही बताइए, आप ही सोचिए कि क्या छात्रों पर इससे क्या असर पड़ रहा है। वहाँ जब बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो शराब की खाली बोतलें देख के उनके मानसिक हालात पर क्या असर पड़ रहा होगा। आपको छोड़े जाते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे बिहार इन शॉर्ट्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।